फिलर्स हर त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाता है। इस श्रृंखला में हर बार की तरह इस बार भी बड़े ही उत्साह के साथ संक्रांति का त्योहार मनाते हुए हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया था। पर्व कोई भी हो, इसे मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण जुड़ा होता है और उन्हीं बातों को याद करते हुए उनसे कुछ सीख लेने के लिए हम त्योहारों को उमंग उत्साह से मनाते हैं। इसी के मद्देनजर शहर के प्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं ट्रेडिशनल वेशभूषा में शामिल हुई थी, जहाँ कई तरह के गेम खेले गए तो वही महिलाओं द्वारा उखाने भी लिए गए। मकर संक्रांति के बाद जो है महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रमों का आयोजन होता है और रोकड़े ज्वेलर्स हमेशा ही हम देखते हैं कि हर उत्सव को जो है बहुत ही उत्साह के साथ मनाता है और इसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि आज जो है रोकड़े ज्वेलर्स में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया और हमारे साथ सुंदर सुंदर महिलाएँ यहाँ है जो हल्दी कुमकुम में शामिल होने आई हैं। आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, क्या बताओगे आज रोकड़े ज्वेलर्स में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है, आप उसमें सहभागी होने आई हो, क्या बताओ? हाँ, मेरा नाम सुनीता गौतम है, शंकर नगर से हूँ। रोकड़े ज्वेलर्स से मेरी बहुत पहले से ही, पहले ये ब्रांच से वो ब्रांच, इतवारी वाली ब्रांच से हम खरीदी करते थे। अभी लास्ट मंथ मैंने यहाँ से डायमंड रिंग ली हूँ। मुझे बहुत अच्छा यहाँ का कलेक्शन लगता है और हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम या जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं पास में होने की वजह से हमको लक्ष्मी नगर का बहुत अच्छा लगा, ये ब्रांच अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आज हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है, क्या बताओगे? हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम एक्चुअल में महाराष्ट्रीय त्यौहार है और इतने हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। सब लोगों को ब्लैक साड़ीज और ट्रेडिशनल ड्रेसेस में देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है रोकड़े ज्वेलर्स का, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। थैंक यू। नवीन वर्ष सुरू झाले, नवीन वर्षाचा पहिला सण म्हणजे संक्रांति आणि रोकडे ज्वेलर्स नागपुरातलं खूप विश्वासाचं स्थान आहे, जिथे आम्ही ज्वेलरी विकत घेतो। खूप छान छान ज्वेलरीज व्हरायटीज खूप असतात आणि विश्वासाचं माहेरघर म्हटलं की रोकडे ज्वेलर्स, आणि सगळे सण खूप छान करतात, ते सगळ्यांना इन्वॉल्व करून घेतात स्वतःमध्ये आणि हेच त्यांची खूप जास्त म्हणजे मोठी हे आहे की ते सगळ्यांना इन्वॉल्व करून घेतात, म्हणून इथे खूप लोक येतात आणि खूप जास्त। माझं नाव प्रणिता मुधोळकर, मी रोकडेकडनं नेहमीच ज्वेलरी घेत असते आणि रोकडेकडची मेकिंग चार्जेस फार कमी आहे म्हणून मी खास करून रोकडेकडून घेते आणि डिझाईन फार अप्रतिम आहे रोकड्यांच्या। आणि आता तर रोकडेंचा स्टाफ पण माझा फॅमिलियर झालेला आहे अगदी, म्हणजे खूप मी ओळखते बरंच स्टाफला। आणि इथे नेहमीच हळदी कुंकाचे प्रोग्राम दरवर्षी होत असतो आणि खूप सुंदर प्रोग्राम्स होतात। आज पण खूप सुंदर प्रोग्राम झालेला आहे, बरेचसे गेम्स ठेवलेले आहेत, हाऊजी, बाकी अजून गेम्स आहे लेडीजसाठी। आणि आमच्या लेडीजसाठी रोकड्यांनी खूप छान एक प्लॅटफॉर्म किंवा आमची हाऊस भागवायसाठी म्हणून एक छान प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे, ज्यानिमित्ताने प्रत्येक लेडीज घरची सगळी जबाबदारी सांभाळून अगदी घरचे सगळे मुलांचे मुलं, आता मी पण माझा मुलगा शाळेतून स्कूलमधून येणार होता, त्याला येऊ दिलं, त्याला जेवण करायला लावलं आणि नंतर मी सगळी तयारी करून इकडे आलेली। तर जसं आधीच्या काळामध्ये लेडीज लोकांना बरेचसे कामं राहायचे किंवा फक्त टी व्ही बघून वेळ जायचा, तर हे जे प्लॅटफॉर्म किंवा हे जे प्रोग्राम्स होतात यामध्ये लेडीजच्या सुप्त गुणांना, कलागुणांना वाव मिळतो, ही एक खूप सुंदर गोष्ट आहे। आणि रोकडे खरंच दरवर्षी असे खूप छान छान प्रोग्राम्स प्रत्येक सणाला, आपल्या भारतीय संस्कृतीनुसार प्रत्येक सणाला ते नवीन नवीन प्रोग्राम करत असतात, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद। थँक यू। हर बार की तरह इस बार भी रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ पे जो है विविध कार्यक्रम इसके तहत हो रहे हैं। हमारे साथ रोकड़े ज्वेलर्स की अनामिका रोकड़े जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि मैम इस बार क्या हो रहा है मकर संक्रांति पर, क्या बताओ? सबसे पहले तो आपको पूरे रोकड़े परिवार की ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जैसे आपने बोला आज क्या नया हो रहा है,
तो रोकड़े ज्वेलर्स में हर एक दिन नया होते रहता है। हम लोगों ने आज के दिन जैसे संक्रांत जो बोला जाता है, वान हल्दी कुमकुम जे म्हणतात ना की एक बरेच दिवसानंतर वर्षभरानंतर जे सण येतो संक्रांतचा वान म्हणतो आपण, त्या दिवशी सगळे लेडीज जेवढे काही असतात ते नटून ठटून नथ हे ते घालून येतात। तर आज आपण हळदी कुमकुमचा प्रोग्राम ठेवलेला आहे, त्याच्यासाठी मला खूप छान वाटते आहे। इथे आल्यानंतर ते इतकं सुंदर वाटत आहे की सगळे जेवढे लेडीज आहे ते अगदी नटून ठटून आलेले आहे, तर खूप छान वाटते हे असं प्रोग्राम करायला। खूप छान प्रतिसाद मिळतो याचा, तर एकदम छान वाटते आहे। आज हळदी कुमकुम आहे संक्रांतीचा, म्हणजे संक्रांती का अवसर है, हळदी कुमकुम है तो उखाना तो बनता है। देखिए उखाने वाली बात तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बोलूँगी। अंग्रेजीत म्हणतात चंद्रमा लमून, राजेश रावणचं नाव घेते रोकडेची सून। थैंक यू सो मच। तो हर बार की तरह इस बार भी रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से मकर संक्रांति का उत्सव जो है बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित कर जो है महिलाएं यहाँ ये उत्सव में शामिल हुई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।